हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पावापुरी तीर्थ धाम में फहराई गई 22वीं ध्वजा, पुण्य प्रबल से बनते हैं ऐसे तीर्थ जीव दया धाम रविरत्न सूरी सिरोही। श्री पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम के 22वीं ध्वजारोहण मंगलवार को आराध्य भगवत श्री रविरत्न सूरी एवं प्रन्यास प्रवर श्री वैराग्य रतन विजय जी मनसा की पावन ईर्षा में धूमधाम से हुआ। ध्वजा का वरघोड़ा गाजर बाजते मुख्य द्वार पहुंचा और वहां पर आचार्य भगवत का सामना श्रीमती हीना बहन ने किया। इस अवसर पर तीर्थ संस्थापक के पी संघवी परिवार के प्रमुख किशोर एच संघवी सहित सभी परिजन अतिथि ट्रस्टी गण एवं ध्वजारोहण विधि करवा कर ध्वजा का याशय प्रदान की। उसके बाद सभी ने 3 प्रदक्षिणा लगाकर मंदिर व डेरियों पर पहुंचकर कलश टंड की पूजा अर्चना कर नई फहराई। मुख्य मंदिर धर्म प्रेमी उपस्थित थे। आचार्य श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनाले पर के पी संघवी परिवार के कीर्ति भाई नितिन भाई अरविंद भाई दिलीप भाई ने महावीर स्वामी जय मंदिर पर तीर्थ के चेयरमैन किशोर एवं संघवी अमरीश भाई व समीर भाई ने गाजते बाजते ध्वजा फहराई। आचार्य श्री ने हित शिक्षा देते हुए कहा कि केपी संघवी परिवार का प्रबल पुण्य होने से देश में एक ऐसा तीर्थ व जीवदया का नाम बना है जिसके दर्शन के लिए 21 वर्ष में 78 लाख से अधिक यात्रियों का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्कार व जीवदया के कारण ऐसा प्रबल पुण्य मिलता है। आचार्य श्री ईर्षना से विहार कर पावापुरी तीर्थ पहुँचे जहाँ पर अनेकों भक्तों ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समर्पण की बेजोड़ मिसाल है पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम। वार्षिक सभा का शुभारंभ अतिथि नीलेश कोठारी अनीश कोठारी जयेश गांधी आशीष कोठारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। ध्वजा के अवसर पर केपी संघवी परिवार ने इन सभी अतिथियों का स्वागत किया। इन अतिथियों ने पावापुरी परिसर का अवलोकन कर कहा कि संघवी परिवार के समर्पण का पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम बेजोड़ मिसाल है। रात को ट्रस्ट मंडल की 21वीं वार्षिक सभा में अतिथि के रूप में इन सभी का ट्रस्ट मंडल व संघवी परिवार की ओर से स्वागत किया गया। इन सभी अतिथियों का जीव दया विशेष योगदान पर ट्रस्ट मंडल ने उनका करताल ध्यान से अभिनंदन किया। वार्षिक बैठक में तीर्थ के ट्रस्टी श्री ऋषभ चंद जी मुथा एवं अमृत लाल जी अनुराज जी सिंधी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 5 नए ट्रस्टी मनोनीत ट्रस्ट मंडल ने ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी के रूप में तीर्थ संस्थापक बाबूलाल जी पूनम चंद जी संघवी के सुपुत्र आदेश भाई अमरीश भाई को मनोनीत किया। इसी प्रकार ट्रस्ट में मालगांव के प्रकाश भाई लीलचंद जी संघवी श्रीपाल हजारी मल जी बाफना निम्बज के प्रकाश भाई दानमल जी मुदा एवं मारोल के पारस भाई वस्तीमल जी तातेड़ को ट्रस्टी के रूप में शामिल किया। इस अवसर पर नए ट्रस्टियों का स्वागत माला साफा से ट्रस्ट के चेयरमैन किशोर एच संघवी ने किया। ट्रस्ट में मनोनीत ट्रस्टियों ने कहा कि उनका अहोभाग्य है कि उनको देश के विख्यात ट्रस्ट से जुड़ने का अवसर मिला। पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम का रजत महोत्सव मनाने का हुआ निर्णय। वार्षिक बैठक में मैनेजिंग ट्रस्ट महावीर जैन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि पिछले 21 वर्षों से इस तीर्थ में प्रतिदिन औसत आगमन 1000 व रात्रि विश्राम 318 लोगों का रहना, यह बताता है कि लोगों का इस तीर्थ व जीव दया के धाम से बड़ा लगाव है। ट्रस्ट मंडल ने तीर्थ की 25वीं ध्वजारोहण पर रजत महोत्सव मनाने और इस महोत्सव में देश के सभी कच्छों के आचार्य भगवतों को बुलाने का प्रयास अभी से शुरू करने का निर्णय किया। वार्षिक बैठक में ट्रस्टी सुनील सिद्धि कीर्ति भाई अरविंद भाई दिलीप भाई अमरीश भाई समीर भाई उकराज बाफना मनीष जैन नरेश बाफना चेतन बाफना सहित अनेक ट्रस्टियों ने अपने अपने विचार स्वयं और सभी ने तीर्थ के सफल संचालन के लिए केपी संघवी परिवार की अनुमोदना की। केपी संघवी परिवार को हीरा व्यवसाय में लाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले बाबू काका के बहनोई स्वर्गीय श्री नटवरलाल जी शाह की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना बेन का जीवदाय में योगदान करने पर स्वागत किया तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू झलके। इस अवसर पर किशोर भाई संघवी ने कहा कि आज जो केपी संघवी परिवार वो पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम है उसे इस स्तर पर पहुंचाने में नटवरलाल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जागरूक टीवी के कैलेंडरी से सुरेश चुगनू की रिपोर्ट।